बिहार के कटिहार में पैक्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद कलाम वारिस सी ने अपने निज निवास गर्भेली गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वहीं मोहम्मद कलाम वारसी ने मीडिया को बताया कि पिछले दिनों शिव शक्ति प्राइवेट लिमिटेड उसना राइस मिल के मालिक रंजित कुमार महतो ने एक वीडियो बनाकर वायरल किया था कि मोहम्मद कलाम वारसी ने 10 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई थी। आपको बता दें कि और मेरी तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं की गई है, मुझे साजिश के तहत बदमाश और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार राइस मिल के मालिक रंजित कुमार महतो ने रिश्वत मांगने का आरोप लगाया जा रहा है। चुनाव उनाव है और इस बार उसना चावल मिल आपका है और आप उसना चावल मिल चलाइएगा तो हमको 10 लाख रुपया देना होगा। हम बोले भाई 10 लाख रुपया क्यों देना होगा, तो नहीं 10 लाख रुपया नहीं दीजिएगा तो हम आपका मिल चलने नहीं देंगे। हम जिला में आंदोलन करेंगे और हम आपका मिल चलाने नहीं देंगे। तो हमारे कहना है कि हमको मिल उसना चावल मिल खोलना गलती हो गया। दोनों इस बार कम से कम इस बार के लिए अलाउ किया जाए ताकि टाइम से सभी पैक्स धान खरीद करके मिलिंग करा के टाइम से दे सके। अगले साल 3-4 और राइस मिल उसना जो है कि लगना है, लग रहा है, जो निर्माणाधीन है, लग के रेडी हो जाएगा। अगले साल आप अगर 100% कर देते हैं राज्य सरकार तो हम लोगों को पैक्स एसोसिएशन को कोई आपत्ति नहीं। एक और मामला फंसता है कि कटिहार जिला में 7 पैक्स राइस मिल भी है जो अड़वा है, राज्य सरकार को उसको अपग्रेड करना है। राज्य सरकार ने उसका कोई फंडिंग अभी तक नहीं किया। जब मैं समझता हूँ तभी मैं कलम चलाता हूँ, ऐसे मैं आंख मूंद के कलम चलाने वाला इंसान नहीं हूँ। देखिए पैक्स अध्यक्ष का अभी हमसे मिले थे हाजी साहब के, हम चाय पीने गए थे उनके मैखाने पर, तो पैक्स अध्यक्ष से हमने मिला तो उन्होंने कहा कि हम लोग को जो चुनाव से वंचित किया जा रहा है ये अन्याय है, घोर अन्याय है। तो हमने कहा कि इसमें हम आपको कोई मदद नहीं कर सकते, सरकार कोई मदद नहीं कर सकती, सरकार इसमें